जोड़ो यात्रा जो है दौसा से गुजर रहा है। यात्रा में देखिए किस तरह से लोग लगातार चल रहे हैं, किस तरह का भीड़ है। ये शहरी इलाका दौसा का और वहाँ पर किस तरह से भारत जोड़ो यात्रा को लगातार समर्थन दिख रहा है। और आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से 100वें दिन लगातार भीड़ देखने को मिल रही है। लोग छतों पर खड़े होकर लगातार इस भारत जोड़ो यात्रा को स्वागत कर रहे हैं। और लगातार देखिए तस्वीरों में कि किस तरह से दौसा की सड़कों पर लगातार इंदौर वाला नज़ारा दिख रहा है, किस तरह से भीड़ है और किस तरह से लगातार यात्रा मजबूती के साथ चल रहा है। राहुल जी की जो छवि जो बनाई हुई थी सोशल मीडिया के माध्यम से, वो ये पता लगा कि ये कितना प्रोपेगेंडा चल रहा है। बीजेपी सरकार जो हजारों करोड़ों का एक कैंपेन चला रही है राहुल गांधी की छवि को बिगाड़ने के लिए, गांधी परिवार की छवि को बिगाड़ने के लिए, जब आप करीब से उनको मिलते हो तो आपको लगता है कितना सौम्य स्वभाव के, कितना डाउन टू अर्थ पर्सन है। वो अध्यात्म में बात करते हैं, वो देश की बात करते हैं, मुद्दों की बात करते हैं। वो कहते हैं कि इधर उधर की बातें, धर्म जाति की बात मत करो, मुद्दों की बात करो। जो लोग बेरोजगारी से प्रताड़ित हैं, जो साइड की तरफ आप देखेंगे तो रास्ते पर भी चलने की जगह नहीं है और सड़कों के दोनों तरफ लोग खड़े होकर इस यात्रा से और कह सकते हैं कि राहुल गांधी जी का लगातार इंतज़ार कर रहे हैं। तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से आप जो है भीड़ देख रहे हैं और किस तरह से लगातार उत्साह है, किस तरह से लोग लगातार हाथ हिलाकर इस भारत जोड़ो यात्रा या राहुल गांधी जी का स्वागत करने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। भारत जोड़ो यात्रा यूं ही आगे के साथ मजबूती के साथ चल रहा है और देखिए किस तरह से लोग जो है यहां पर खड़े होकर इस यात्रा को सेलिब्रेट कर रहे हैं, यात्रा का कह सकते हैं कि स्वागत कर रहे हैं। किस तरह से ये तमाम तस्वीरें हैं भारत जोड़ो यात्रा की, आप देख सकते हैं कि किस तरह का भीड़ है, किस तरह से लोग अपने छतों पर दोनों तरफ खड़े होकर इस भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत कर रहे हैं। किस तरह से लगातार इन तस्वीरों में आप देखिए कि भारत जोड़ो यात्रा इस इलाके से गुजर रहा है दौसा से, और इस दौसा में जो भीड़ है वो लगातार कंट्रोल करने वाली भीड़ नहीं है। और कई सारे लोग ऐसे हैं जो बेचारे इस भीड़ से बचने के लिए या तो पीछे हो जा रहे हैं या तो आगे की तरफ बहुत तेज़ी से निकल रहे। आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से भीड़ है और ये छतों पर लोग खड़े होकर इस यात्रा के स्वागत में खड़े हैं दोनों तरफ। इस तरफ भी आप देखेंगे तो लगातार स्वागत के लिए हजारों की संख्या में छतों पर लोग खड़े हैं और ये लगातार भारत जोड़ो यात्रा की एक बड़ी उपलब्धि देख सकते हैं कि किस तरह से छतों पर लगातार लोग खड़े होकर इस यात्रा को सेलिब्रेट कर रहे हैं और इस यात्रा में राहुल गांधी को समर्थन कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा यूं मजबूती के साथ चल रहा है और भारत जोड़ो यात्रा यूं ही कह सकते हैं कि भीड़ के साथ लोगों का समर्थन, लोगों का जो प्यार है वो दिख रहा है और भारत जोड़ो यात्रा मजबूती के साथ आगे की तरफ चल रहा है। राजस्थान के दौसा से लगातार जो है सड़कों के दोनों तरफ महिलाएं, बच्चे व तमाम लोग खड़े होकर यात्रा के साथ चल रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा मजबूती के साथ चल रहा है। छत पे लोग देखिए किस तरह से खड़े हैं और लगातार दूर दूर तक राहुल गांधी के स्वागत में इस छत पर खड़े होकर इस यात्रा का स्वागत कर रहे हैं। आप देखिए कि सड़क पे जगह नहीं है, लगातार आप देख सकते हैं उस तरफ है लगातार भारत जोड़ो के साथ और मजबूत हो रहा है। भारत यात्रा की उपलब्धि है कि देखिए किस तरह से सड़कों पे लोग खड़े होकर इस पूरे यात्रा को सेलिब्रेट कर रहे हैं और आप दूर दूर तक देखिए कि हजारों की संख्या या कह सकते हैं कि ये वाला जो भीड़ है वो लाखों की संख्या में जिनको जहां जगह मिल रहा है वहां पर से खड़े होकर इस यात्रा का सेलिब्रेट कर रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा आगे की तरफ चल रहा है। यूं ही ये यात्रा मजबूती के साथ चल रहा है और देखिए सड़क पर लोग खड़े होकर इस यात्रा के स्वागत में चल रहे हैं। राहुल गांधी जी जो है तकरीबन आधा किलोमीटर पीछे, मगर उसके बावजूद सड़कों पर जिस तरह का उत्साह, प्रेम और कह सकते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के इंतज़ार में किस तरह से लोग जो है राजस्थान में खड़े हैं, वो तमाम
तस्वीरें आप देख सकते हैं। जोड़ो यात्रा 6वें दिन में प्रवेश कर चुका है। राजस्थान के दौसा से यह यात्रा गुजर रहा है। यात्रा की खूबी यह है कि जब कन्याकुमारी से पहले दिन जब इस यात्रा की शुरुआत हुई थी तो वैसा ही जोश था और आज 6वां दिन हो गया, समझिए कि आज यात्रा ने सेंचुरी लगा ली है और उसी तरह का जोश दिख रहा है। हमारे साथ अंकित जी है जो भारत यात्री है, उनका 100 दिन आज पूरा हुआ। तो अंकित भाई, सबसे पहले 100 दिन पूरा होने की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। लगातार 100 दिन पूरा हो गया, इस 100 दिन में आपने क्या पॉलिटिकली खोया और मोहब्बत के तरीके क्या चीज़ पाया इस पूरे 100 दिन में? अलग अलग राज्यों से यात्रा गुजरी है। देखिए, मैं खोया की जो आपने बात करी है तो पॉलिटिकली मैं यहाँ पे जो भी हुआ गेन हुआ है। इस गेन में लोगों का प्यार, लोगों से जो मोहब्बत मिली है पूरी यात्रा को, राहुल जी को, हमारे भारत यात्रियों को स्पेशली जो स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है, लोग अपना फूल बरसा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे रोड पर खड़े हैं, तो वो जो एक्साइटमेंट है वो देखे, जो एनर्जी हमें मिली है, जो आगे देश के लिए काम करने के लिए और जो हमारा जज्बा था उसमें जो इजाफा हुआ है वो इस यात्रा से हमें मिला है। तो इसमें खोया का कुछ नहीं है, सिर्फ पाया है हमने। खोने की अगर बात है तो हाँ, मैं बताना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे जब आया हूँ तो मैं अपना करियर, अपना रोजगार छोड़ के आया हूँ। मैं पैसे से वकील हूँ और मैं वकील हूँ, उत्तराखंड हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ और अपना काम धाम सब छोड़ के, फाइलें सब मैं छोड़ के यहाँ पे आया, तो वो थोड़ा सा एक है कि हाँ, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है। ये जैसे आप आए इस यात्रा में जुड़ने के लिए, तो राहुल गांधी जी को किस तरह से आपने करीब से देखा? जब दूर से देख रहे थे और इस 100 दिन में आपने करीब से राहुल जी को देखा तो क्या कुछ अलग दिखे राहुल जी? जी बिल्कुल, राहुल जी की जो छवि जो बनाई गई थी सोशल मीडिया के माध्यम से, वो ये पता लगा कि ये कितना प्रोपेगेंडा चल रहा है। बीजेपी सरकार जो हजारों करोड़ों का एक कैंपेन चला रही है राहुल गांधी की छवि को बिगाड़ने के लिए, गांधी परिवार की छवि को बिगाड़ने के लिए, जब आप करीब से उनको मिलते हो तो आपको लगता है कितना सौम्य स्वभाव के, कितना डाउन टू अर्थ पर्सन है। वो अध्यात्म में बात करते हैं, वो देश की बात करते हैं, मुद्दों की बात करते हैं। वो कहते हैं कि इधर उधर की बातें, धर्म जाति की बात मत करो, मुद्दों की बात करो। जो लोग बेरोजगारी से प्रताड़ित हैं, जो इतना लोगों ने अपना रोजगार खोया, इन्होंने तो जुमलेबाजी करी थी 2 करोड़ रोजगार और 45 साल में सबसे निचले स्तर पर रोजगार इस समय है, वो उनकी बात करते हैं कि जो धर्म के नाम पे जिनको प्रताड़ित किया जाता है वो उनकी बात करते हैं, गरीब दबे कुचलों की बात करते हैं। तो ये देखने को मिलता है कि वो आदमी जेन्युइनली कितना कंसर्न है, वो कितना डाउन टू अर्थ है। तो भारत यात्रा 100 दिन में पूरा हो गया, तो इस 100 दिन में कितना लगता है कि जो नफरतें बढ़ाई गई थी या भरी गई थी वो कितना नियंत्रण तरीके से उस पर कमी देखने को मिली है? देखिए, ये जो आप लोगों का देख रहे हो यहाँ पे भीड़, ये लोग वो हैं जो उत्साह के साथ इस यात्रा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि देख रहे हैं कि ये ऐतिहासिक एक पल है कि जो देश की राजनीति को तो बदले गई, साथ साथ जो देश की नफरत में फैलाई गई है बीजेपी द्वारा उसको मिटाने का काम कर रहा है। तो लोग प्यार से जुड़ के साथ में आ रहे हैं। हम जब कन्याकुमारी से 7 सितंबर को हमने यात्रा शुरू करी थी, अभी तक हमारे लगभग 2900 किलोमीटर और ये 8वां स्टेट हमारा है, उसमें 100 दिन आज हम जब प्रवेश कर रहे हैं तो मैंने कहीं पे भी ये जोश में कमी नहीं देखी, कहीं पे भी ऐसा नहीं दिखा कि लोग नफरत से देख रहे हो। अभी थोड़ी देर पहले ही आपने अगर देखा होगा, बीजेपी का कार्यालय था, वहाँ बीजेपी का बैनर लगा हुआ था, छत पर लोग थे, हाथ हिला रहे थे और भारत जोड़ों के नारे लगा रहे थे। तो ये भारत है। देखो, हमारे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होना चाहिए। तो वही भारत जो आपको खाई बांटी जा रही है, हमने खाई बढ़ाई जा रही थी, हमने उसको पाटने का काम करने के लिए ये यात्रा है और हम लिखते हैं कि बहुत सफल हो रही है। थके हैं या और मजबूत हुए? 100 दिन में जो एक्साइटमेंट था वो ज़्यादा हो गया है। मतलब जो आप बता रहे थे, जो 7 तारीख को था हम जब चले थे, तब एक दिमाग में थी यार कि कैसे चलेंगे, क्या होगा, पैरों में लोगों के छाले ही पड़े, बीमार भी हुए, सब कुछ हुआ। लेकिन आ जाने के बाद शारीरिक रूप से मजबूत तो हुए हैं, लेकिन उससे ज़्यादा मानसिक रूप से, और हमें जो एक शक्ति मिली है वो शक्ति बढ़ते जा रही है यात्रा के साथ साथ, और आगे मतलब वो हम यात्रा के खत्म होने के बाद भी इस काम को जारी रखने का काम करेंगे। तो 24 बदल रहा है इस यात्रा से, कह रहे 24 बदल रहा है इस यात्रा से। ये 24 बदले ना बदले, ये यात्रा जो है, देखिए यात्रा का वो राजनीतिक एक जो इलेक्शन है वो अलग चीज़ है। इलेक्शन में बहुत सारे आपके अलग अलग चीज़ें होती हैं, उन सब चीज़ों में काम को आपको वो सीट वाइज देखना होता है। लेकिन मेन मुद्दे जो हैं कि भाई बेरोजगारी है, महंगाई है, देश की इस समय देश उस बुरे दौर से गुजर रहा है जब लोकतंत्र पे हमला है, जब देश की जो रीढ़ की हड्डी है हमारा संविधान उसको तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, उसको जब चोट पहुँचाई जा रही है, हम उसकी बचाने की लड़ाई है, ये देश को बचाने की लड़ाई में हम निकले हुए हैं। देखो, चुनाव आते रहेंगे जाते रहेंगे, मेला है, हर साल चुनाव होते हैं, है ना, ये हिंदुस्तान में तो चुनाव का कभी लोकसभा के हैं, विधानसभा के हैं, चाहे पंचायत तक के चुनाव हैं, चुनाव होते रहेंगे। लेकिन अगर ये देश बचेगा तो तभी ना चुनाव का कुछ हर सकता है।
द इंडियन खबर, सच आपके सामने।